तो हम लोगों ने ये लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था, रिफ्लेक्सर, यही ना, डेविएशन, डेविएशन बल्कि नहीं, जैसे रोटेशन ऑफ वे, ये पढ़ा था लास्ट टॉपिक। आराम से ये हो गया, यही ना। एक क्वेश्चन कर लो आराम से, एक क्वेश्चन। क्वेश्चन कि इफ मिरर इज रोटेट बाय 15 डिग्रीज क्लॉक वाइज, मिरर को हमने 15 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, एंड इंसिडेंट रे बाय 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज बाय व्हाट एंगल रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट। रिफ्लेक्टेड रे कैसे रोटेट कर जाए, एक एक करके दोनों को, एक एक करके दोनों को अलग अलग देखे और जोड़ो। अच्छा, दोनों को अलग अलग करके फिर जोड़ो, देखो सर 10 50 डिग्री देख लो, ये मिरर है, मिरर है तो ये क्या है, नॉर्मल है इसका, है ना। मिरर कैसे रोटेट कर दिया गया, 15 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे 15 डिग्री क्लॉकवाइज ना, तो अगर 15 डिग्री क्लॉकवाइज किया तो रिफ्लेक्टर रे कैसे रोटेट करेगी, डबल उसी डायरेक्शन में, तो 30 डिग्री क्या हो गई, क्लॉकवाइज, यही ना। तो ये तो ये हो गया, प्लस 15 डिग्री क्या है वो, 20 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इंसिडेंट रे 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चला, उल्टा मतलब समझ गया ऐसे, तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री इधर जाएगा भाई, इधर ये ऐसे घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगा ना, यानी वो भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कुल मिला के फॉर्मूले से नहीं, टोटल डिवीजन आ जाएगा, समझ गए। ये मिरर है, सामने से कोई लाइट मार रहा है तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, वापस जाएगी ना, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी डायरेक्शन में है। अब मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ, मैं मतलब मिरर, तो इंसिडेंट रे थीटा पे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा पे बना के जाएगा ना, तो कितना एंगल घूम जाएगा, 2 थीटा, यानी मिरर घुमा थीटा तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों मिलके कितना घूमे, मतलब दोनों के बीच कितना, 2 थीटा, यानी मिरर के रोटेशन का डबल हो जाता है, मिरर के रोटेशन का डबल हो जाता है, कौन, रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन, यही ना, मिरर के रोटेशन का डबल, तो मिरर के रोटेशन का डबल, मिरर कितना रोटेट किया 15। इमेजिनेशन के बगैर क्वेश्चन नहीं होते हैं, जबरदस्त इमेजिनेशन होना चाहिए, उसके बगैर क्वेश्चन नहीं होते हैं। मैं कितना भी पढ़ा लूं तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो इमेजिन करना है ना, इमेजिन करना, समझ गए बच्चों। तो ये इंसिडेंट रे थी एकदम नॉर्मल थी तो रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल गई, लेकिन मैं चला गया इधर तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, तो थीटा से अगर आ रही है तो थीटा से ही जाएगी, यानी टोटल कितना घूम गई, 2 थीटा, खत्म। जबकि इंसिडेंट रे ही भी अगर घूम जाए इधर चली जाए तो फिर आएगा थीटा से तो जाएगा भी थीटा से, इसका मतलब इंसिडेंट रे थीटा घूमेगा तो ये भी थीटा घूमेगा,
उल्टी डायरेक्शन, यही ना? तो दो का असर देखना है, एक मिरर के रोटेशन का, दैट इज नॉर्मल के रोटेशन का, मिरर मतलब नॉर्मल का रोटेशन है ना, और दूसरा इंसिडेंट रे का रोटेशन। तो मिरर का रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है तो रिफ्लेक्टेड रे का भी क्लॉकवाइज ही होगा, डबल है ना, जबकि इंसिडेंट रे का रोटेशन अगर जितना है उसका अपोजिट होता है कौन, रिफ्लेक्टेड रे, उसी के बराबर, यही ना। दोनों को कंबाइन कर दिया, कोई प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक में है कि सन से आने वाली रे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल से 30 पे आ रही है, और वो एक मिरर पड़ रही है, तो मिरर से रिफ्लेक्ट हुए कितने पे जाएगी, 30 है ना। मिरर को कितना घुमाते हैं कि रे हॉरिजॉन्टली जाने लगे, नहीं आराम से सोचो, क्वेश्चन पहले समझ में आया, क्या क्वेश्चन है समझ में आया, आराम से सोचो, ये नॉर्मल है, मतलब मिरर का नॉर्मल है ना, हॉरिजॉन्टली गई है ना, इंसिडेंट रे 30 पे आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने पे जा रही होगी, 30 पे। अब बोल रहा है कि मिरर को कितना घुमा दूं मिरर को कि वो हॉरिजॉन्टल जाने लगे रिफ्लेक्टेड रे, सोचो, मेरी बात समझ में आ रही है। तो तुम्हें रिफ्लेक्टेड रे को कितना घुमाना है हॉरिजॉन्टल करने के लिए, अभी ये कितना है 30, हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा है 30, तो रिफ्लेक्टेड रे को कितना घुमाना है 30 घुमाना है, कितना घुमाना है 30, तो नॉर्मल को कितना घुमाओ 50, तो अपने 30 घूम जाएगा कि बोलो बच्चों, नहीं समझ में, आराम से फिर से सुनो, ये कौन है मिरर है ना, इसका ये कौन है नॉर्मल, यहां से कितने पे आ रहा है 30 पे, तो जा भी कितने पे रहा होगा, कोई कंफ्यूजन है क्या? अब मैं अगर इसको 15 डिग्री घुमा दूं कितना 15, तो ये 30 घूमेगा कि नहीं, और 30 घूम के कितने चला जाएगा, नहीं बोलो बच्चों, अगर मैं इसको 15 घुमाऊं नॉर्मल को तो ये कितना घूमेगा, डबल ना, बोलो बच्चों, तो जिसे घुमाया 15 उसी का डबल 30 घूम जाएगा, और 30 घूम के जो 30 नीचे आया तो उतना घूम के वापस हॉरिजॉन्टली चला जाएगा, समझे कि नहीं, पक्का? Yes. तो ये या बोले कि मिरर कितना घुमाऊं कि जिधर आ रहा है उधर ही चला जाए, तो भाई इसको अगर इधर ही घुमा दूं तो जिधर आ रहा है उधर ही चला जाएगा ना, तो इसको घुमा के किधर ले जाऊं, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं, कितना घुमा दूं इसको 30, भाई नॉर्मल हॉरिजॉन्टल ऐसे है नॉर्मल, और उसको अगर घुमा के इंसिडेंट के डायरेक्शन में घुमा दूं तो ये 60 डिग्री घूम के क्या हो जाएगा, चला जाएगा, आपने सुना क्या सबने, कोई कंफ्यूजन, समझ में आ गया, तो ये रोटेशन के बाद समझ में आ जाएगी, ठीक है बच्चों, चलो तो ये हो गया रोटेशन ऑफ, एक दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, मैं उसको भी चाहो तो एक करा दूं, एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत फेमस, ये एक लेट मतलब एक्चुअली क्या है ना, ऐसे मिरर है ना, और ये ऐसे रोटेट कर सकता है इस एक्सिस के ऊपर है ना, लेकिन उसको तुम ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा मिरर दिखेगा है ना, ऐसा मिरर दिखेगा, यहां से एक टॉर्च तुम मार रहे, टॉर्च सही, तो रिफ्लेक्टर यहीं से जा रही होगी, जा रही होगी ना, अब क्या बोल रहा है कि अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जाए, v वेलोसिटी क्या जाए नीचे, तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नेचुरल v से ऊपर जाएगा, पक्का, सोर्स नीचे कितने से जा रहा है v से, तो जो इसका स्पॉट होगा, क्या चीज, स्पॉट, इसका जो स्पॉट होगा ना कहीं, ये टकरा के ऐसे, जो यहां से क्या कर रहा हूं मैं, यहां से जा रहा है ना, तो यहां पे जो स्पॉट होगा वो कितने से जाएगा, क्लियर है सबको, ये समझ में आता है सबको,
तो ये बी से नीचे आ रहा है तो ये बी से ऊपर जाएगा। काम खत्म। अब देखना, एक तो तरीका ये हो गया कि इसके मूवमेंट के कारण, और दूसरा तरीका ये है कि अगर मिरर को घुमाने लगो तो भी जाएगा, मिरर को घुमाने लगो तो भी जाएगा। तो देखना, ये है हमारा अगेन सोर्स और ये है हमारा मिरर जो ओमेगा से घूम रहा है। कितने से घूम रहा है? ओमेगा से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ना, यानी ओमेगा होता है एंगल कवर्ड पर सेकेंड से घूम रहा है। तो ये रे आ रही है, शुरू में तो इधर ही जाएगी, लेकिन जब ये घूम जाएगा कहीं और हो जाएगा तो नॉर्मल कहीं और हो जाएगी ना, तब रिफ्लेक्टेड रे कहीं और जाएगा कि नहीं? अगर मैं यहीं पे स्क्रीन बना लूं, स्क्रीन क्या बना लूं? स्क्रीन। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो ये जो स्पॉट है वो किस वेलोसिटी से जाएगा? क्वेश्चन समझ में? सोचो, वहां से लाइट आ रही है और हम लोग मिरर को घुमा रहे हैं, तो स्पॉट ऐसे जा रहा है ना, तो अगर मैं इसको घुमा रहा हूं ओमेगा से तो स्पॉट कितनी वेलोसिटी से जाएगा? जबकि दिया क्या है? ये डिस्टेंस डी दिया है। क्वेश्चन को आराम से दिमाग लगा के करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या हो रहा है? देखो तो तुम क्वेश्चन पहले समझ गए, विजुलाइज हो रहा है कि सोर्स उधर है, यहाँ पे क्या है? मिरर है। अगर तुम मिरर को घुमा रहे हो, मिरर को एक्सेस घुमा रहे हो मिरर की, तो नॉर्मल घूम रहा है, नॉर्मल घूम रहा है तो क्या होगा? जो स्पॉट है वो जाएगा। तो स्पॉट इस स्क्रीन पे, यहाँ पे स्क्रीन है तो स्पॉट की स्क्रीन भागेगी ना, जो स्क्रीन पे स्पॉट भागेगा ना जोर से, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? तो तुम्हारे सब्जेक्ट ऑफ क्वेश्चन है, सही ना? लेकिन मैंने कभी तुम्हें डिफरेंशिएशन में कुछ बताया? फिर डिफरेंशिएशन पढ़े सुनेंगे। जो चीज गिवन है, नहीं ये पूछा गया ना, उसके लिए वेरिएबल पहचानो, ये सेंटेंस याद आ रहा है? ऐसे बताया था। और जो गिवन है उसके लिए वेरिएबल पहचानो, अगला स्टेप बताओ। बहुत बढ़िया, बताओ और याद हुआ? तो ये जो जा रहा है वो इस दूरी को चेंज करेगा ना बच्चों, सबको स्टेटमेंट याद है? बड़ी बात है, ऐसे अप्लाई करना आ जाए तो काम खत्म। बस मैं यही चाहता हूँ, ये अच्छी बात है, मतलब इससे लगता है कि ठीक है, क्योंकि बस आप अप्लाई, अब बाकी चीज क्या चाहिए? हिम्मत, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ये स्टेटमेंट याद है, बस स्टेटमेंट को बोलो और वो करते जाओ। तो जो पूछा गया है उसके लिए वेरिएबल एक्स मान लें, जो दिया है कौन बदल रहा है? थीटा ना, उसके लिए वेरिएबल क्या मानने बच्चों? थीटा। दोनों में रिलेशन के निकालने के लिए कौन बताएगा रिलेशन? सबको पता है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इक्वल टू ये रूट, दोनों में रिलेशन x अपॉन d है ना। और अब उसके बाद डिफरेंशिएशन, बस हो गया। d को इधर ले जाओ, x इक्वल टू कितना हो गया? d tan थीटा। x को टाइम के, क्योंकि वेलोसिटी चाहिए ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dx / dt होगा ना। d क्या है? कांस्टेंट। और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा d थीटा / dt। खतरनाक पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं ना, स्टोरी वही है ना। ये क्या है? b, यही तो निकालना था। d sec थीटा दे रखा होगा तुम्हें, है ना? और इसकी ये कौन है? ओमेगा। ये गिवन है, आंसर आ गया, हो गया, समझ गए? तो फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, क्योंकि याद है तुम लोगों को, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस हिम्मत चाहिए और कि लगाते कैसे ऐसे में। क्वेश्चन क्या था? कि यहां से ये जो सोर्स है, क्या कहते हैं, मिरर है, वो थीटा से ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। इसका मतलब ओमेगा कौन है? थीटा के चेंज के बारे में बता रहा है, थीटा के चेंज। और यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी पूछा है मतलब एक्स में चेंज के बारे में पूछ रहा है। तो थीटा में चेंज के बारे में दे के एक्स में चेंज के बारे में पूछ रहा है। अरे बोलो बच्चो, यही है ना? तो इसका मतलब कि जो पूछ रहा है उसके लिए वेरिएबल पहचान लिए एक्स, जो गिवन है ओमेगा उसके लिए वेरिएबल पहचान लिए थीटा, दोनों में क्या कर लिया? रिलेशन, और फिर डिफरेंस। बस ये सबसे टफ क्वेश्चन होगा, मैं बता रहा हूँ। टफ मतलब क्या? ये तुम्हारे पेपर में अगर आगे तो चांस, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम बच्चे करेंगे इसको।
अलग करेंगे तुम्हें बाकी भीड़ से। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्मूला था, क्लियर है? ऐसे यहाँ पे करे तो भी आ जाएगा, सही है? जो गिवन है उसके लेवल पहचानो, है ना? जो पूछा गया उसके लेवल एक्स वाई, और हमेशा x इक्वल टू वाई होगा तो डिफाइन करोगे तो v इक्वल टू यू, मतलब आ जाएगा दोनों एक बार। ये तो कोई मतलब नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलिए छोड़िए, हो गया, ये समझ में आ गया सबको बच्चों? yes. काम खत्म कर। तो इस टाइप से डेविएशन के कुछ क्वेश्चंस, अरे इसके रोटेशन के कुछ क्वेश्चंस हमारे हो गए, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन डेविएशन के, छोड़ जाना, मैं बता करा देती हूँ। डेविएशन में कल हमने ये पढ़ा था कि कोई भी दो सिंगल रिफ्लेक्शन, एक तो होता है डेविएशन में, हमने क्या क्या पढ़ा, सिंगल रिफ्लेक्शन एंड डबल रिफ्लेक्शन। तो सिंगल रिफ्लेक्शन में कितना होता था बच्चों? सिंगल रिफ्लेक्शन में पाई माइनस टू आई, यानी 180 माइनस टू आई, अगर डिग्री में देखेंगे तो, यही ना? और टू रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, या तो टू थीटा और हाँ टू पाई माइनस टू थीटा, थ्री सिक्स माइनस टू थीटा, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री में है कि रेडियन। ये कल पढ़ा था हमने। yes, दोनों आंसर सही है, अगर ऑप्शन में दोनों है तो दोनों सही है, और एक है तो मान लो ये है तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो 360 माइनस टू थीटा करके चेक करोगे, वो मान लो तुम्हारा आंसर आया डेविएशन, मान लो 150 आया, तो 150 आया, तो 150 अगर नहीं दिया है और तुम्हारा आंसर 150 आया तो क्या करके देखोगे, 360 माइनस 150 दैट इज 210, वो होगा, याद रहेगा? yes. दोनों में से जो हो वही आंसर है, याद रहेगा बच्चों ये? yes. लेकिन ये कितने रिफ्लेक्शन के बाद है? दो रिफ्लेक्शन, सही। अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और रीट्रेस वाली बताया था ना, रीट्रेस वाला वो जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। After third reflection, पहले रे आ कैसे रही है? एक के पैरेलल आ रही है, इस मिरर क्या आ रही है? पैरेलल। एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेस कर रही है, पहले इंसिडेंट कैसे आ रही है? पैरेलल टू सेकंड मिरर, ये फर्स्ट मिरर है और ये कौन सा मिरर है? सेकंड। और क्या बोल रहा है वो कि आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन रे रिट्रेस कर रही है अपने पाथ को, यानी तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, इसका मतलब तीसरा रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर, आराम से। तो ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, सुने क्या बच्चों? तीसरा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी तो रिट्रेस करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टकराएगा तभी तो जाके और वैसे ही आ जाएगा, और जब वैसे ही आएगा तो वैसे ही जाएगा। तो रिट्रेस जैसे ही आए सीधा सा ध्यान क्या रहना चाहिए? परपेंडिकुलर। मेरी बात समझ में आई? पक्का याद रहेगा? तो बताओ, ये मिरर है, लाइट कैसे आए कि रिट्रेस करे? दैट इज परपेंडिकुलर, तो भाई परपेंडिकुलर आना चाहिए, बोलो बच्चों, तभी तो रिट्रेस करेगी, क्लियर है कि नहीं? कोई भी मिरर है, इसका मतलब कहां से आते हुए दिखेगी? सेंटर, सेंटर पे आते हुए दिखेगी, तभी तो रिट्रेस करेगी। बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तभी तो रिट्रेस करेगी ना बच्चों, क्लियर है सबको? पक्का ना? तो बताओ, ये लेंस है F1, फोकस का डाटा नहीं, टेंशन नहीं लेने का, और ये क्या है? मिरर F2 फोकस का, कितने फोकस का? तो बताओ कि लेंस को मिरर से, सॉरी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहां पे? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब बताओ दोनों के बीच की क्या दूरी रखूं कि इमेज भी इंफिनिटी पे बने? ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज भी इंफिनिटी पे होने का मतलब क्या हुआ? रिट्रेस। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज भी इंफिनिटी का होने का मतलब क्या हुआ? रिट्रेस।
तो रिट्रेस करें, तो दोनों के बीच की दूरी क्या रखो कि रिट्रेस करें। इससे निकल के जब इस पे जाए तो परपेंडिकुलर जाए, कैसे जाए? तो रे परपेंडिकुलर कब आती है? सेंटर पे आती है। क्या आती है? यानी इसकी इमेज उसके सेंटर पे बननी चाहिए। नहीं समझ में आया? आया इसका मतलब? ये सेंटर होना चाहिए, होना चाहिए ना सेंटर। बोलो बच्चों। और ये कहां से आ रही है इमेज? ये इमेज कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी। तो इसके कहां बनेगा? फोकस पे। नहीं, फोकस पे। इन्फिनिटी से आता तो कहां बनता है? लेकिन उसके क्या होना चाहिए? सेंटर। यानी तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? अरे को समझ में आ रहा है क्या? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। क्वेश्चन ही नहीं है वो, रिट्रेस का क्वेश्चन है। इन्फिनिटी से आ रही है तो इसके फोकस बनेगी, इसमें तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन उसका कंट्रोल क्यों है? क्योंकि उसके सेंटर पे होना चाहिए, तभी तो रिट्रेस करेगा। तो सेंटर पे होने के लिए कितना दूरी होनी चाहिए? 2f। तो दोनों के बीच की दूरी 2f2 plus f1 नहीं होगा तो रिट्रेस नहीं करेगा। टफ हो गया क्या? क्या सबको पता है कि इसके सेंटर पे रहेगा तो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी, रे जाएगी, तो इसके सेंटर पे बनना पड़ेगा ना। तो सेंटर का मतलब कितना दूर होता है बच्चा? 2f2। और इन्फिनिटी से आगे कहां बन रहा है? फोकस पे। वो तो पता ही है, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता, और भी बन ही नहीं सकता। यानी यहां से दूरी कितनी होगी और वहां से दूरी कितनी होगी? टफ है क्या ये क्वेश्चन? किसका क्वेश्चन है? नॉलेज का क्वेश्चन, क्या फॉर्मूले का क्वेश्चन है? फॉर्मूला पुट कर तो आंसर आएगा? नहीं, केवल अपने सोच का क्वेश्चन है। तो सोच में लाना है, ये रे डायग्राम सोच में लाना है। इतनी देर से, दो दिन से, तीन दिन से मैं रे डायग्राम पढ़ा रहा हूं, उसका मतलब केवल ये है कि रे डायग्राम से डरना बंद करो। और सब डरते हैं, मैं जानता हूं रे डायग्राम बनाने में सब डरते, तो डरो नहीं, रे डायग्राम फट से बनाओ, वही डायरेक्शन देगा। चलो अगर वो दिमाग में आया होगा तो ये भी बता दोगे। चलो इन्फिनिटी से आ रहा है, बोलो अगर ये F1 है और ये F2 है। हाँ, तो सोचो वो डाइवर्जिंग लेंस है, दोनों के बीच की दूरी बताओ, मिरर और लेंस के बीच की दूरी बताओ, जिससे कि क्या हो? इन्फिनिटी पे इमेज बने। आता है बच्चों? सबको आता है? किसमें इस तरह बनेगा बोलो? पढ़ा है बच्चा, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो इसमें कोई कंट्रोल है ही नहीं अपना, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है और ये वाला लेंस है, तो हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इमेज कहाँ बनेगी इसकी? वर्चुअल बनेगी, क्योंकि डाइवर्ज होता है ना। तो कहाँ बनती होने जा रहेगी? पीछे। कितनी दूरी पे? और आगे बताओ, अब क्या चाहिए? रिट्रेस। इसका मतलब ये कैसे जाना चाहिए? नॉर्मल। कैसे जाना चाहिए? नॉर्मल कब जाएगा? जब इसके सेंटर पे होगा। यानी ये क्या होगा? इसका सेंटर। अरे तभी तो ये रे नॉर्मल जाएगी। बोलो बच्चों। तो इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी? 2f2 होगी कि नहीं? तो ये पूरी 2f2 और ये कितना? तो बीच की दूरी तब फटा रहे क्या? रे डायग्राम, सिंपल रे डायग्राम। समझ गए बच्चों? आगे बढ़े। किस चीज की बात हम लोग इतनी देर से कर रहे थे? रिट्रेस करने की बात कर रहे थे। पिछले साल आईआईटी में आया, रिट्रेस नहीं आया है। अब रिट्रेस मेरे दिमाग में यही था जो तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना? लेकिन उसमें क्वेश्चन आया कि जहां पे ऑब्जेक्ट वहीं पे इमेज बने, ऐसा बोला था। जहां पे ऑब्जेक्ट, बाकी जब तो तुम कर सकते हो। जैसे यही क्वेश्चन है, आईआईटी का पिछले साल का क्वेश्चन है। मैंने क्या गलती की? तीन आंसर आ रहे थे, तीन, तो दो निकाल दिया था, एक नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तीन आंसर आ रहे, तो तीसरा आंसर कौन सा छूट गया था मैं वो बता रहा हूँ, बाकी तो हो जाएगा। अरे भाई इसका ऑब्जेक्ट कहीं है, इसकी दूरी सेट करनी है कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बने, सही है? तो भाई ऐसा ऐसा होगा तभी ना, देख लो। अरे भाई इससे दूरी हो और उसके सेंटर पे हो गया कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? बोलो। एक क्वेश्चन जो मुझसे छूट रहा था, एक ऑप्शन कि यहां से यहां जाएगा और यहां से अगर इसके पोल पे चला जाए तो इधर जाके इधर बनाएगा, ये रिट्रेस वाला नहीं था, तो ये मुझसे गलत हो गया। क्वेश्चन क्लास में करा रहे थे, बच्चों ने पूछा था वो जब टेस्ट देके आए थे, क्या गलती होगी मुझसे समझ में? क्योंकि मेरे दिमाग में क्या था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनने के लिए क्या जरूरी है? रिट्रेस। और ये वाला देखो, जरूरी है क्या? यानी ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बने, रिट्रेस जरूरी नहीं है, है, लेकिन ये भी एक पॉसिबल हो सकता है, और वो छूट गया मुझे, तीन केस में सही है। अरे को समझ में? ये पिछले साल आईटी का क्वेश्चन है, टफ है क्या? ले लो,
तुम समझो फिर से आराम से, क्या बोल रहा हूँ मैं, आईआईटी का क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ भाई, क्या चाहता हूँ मेडिकल वालों से आईआईटी का क्वेश्चन चार्ट करना है क्या? मैं चाह रहा हूँ कि आता क्या है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट थोड़ी अलग होगा फिजिक्स तो फिजिक्स है। बस एक चीज और एक्स्ट्रा दिमाग में रख लेना कि अब अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर इमेज बनना है तो रीट्रेस के अलावा एक केस और हो सकता है, ये दिमाग रख लेना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, रहेगा दिमाग में? तो रीट्रेस तो है लेकिन हाँ होल पे जाके आएगा तो एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से एग्जैक्टली वैसे बना के आ जाएगा। आगे बढ़े ठीक, तो ये इतनी देर से मैं रीट्रेस की बात कर रहा हूँ बस, है ना? चलो तो इसको मिटाते हैं सब, ये चलो ऐसा लिख देते हैं एक एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल, और ये अभी हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा क्वेश्चन है फिर से उस क्वेश्चन को लिखते हैं। आप लोग ट्राई करिए उस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करिए क्या निकालना है, क्या क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन कौन बताएगा? हाँ वो ठीक है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले रे पैरेलल आई किसके, पहले मिरर के, एंड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन क्या कर रही है, वो रीट्रेस कर रही है, रीट्रेस कर रही है, तो उसके बाद भी क्वेश्चन आसान नहीं है, दिमाग लगाना है। ये बताओ ये एंगल अगर कितना है थीटा, ये भी कितना होगा थीटा, पक्का ये कितना होगा थीटा, पक्का समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है आर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा ना। अच्छा ये थीटा है और ये जो जा रहा है थोड़ा सा कचरा हो गया, थोड़ा गलत बन गया, चलो मैं फिर से बना रहा हूँ, गलत मतलब ये एक्चुअली नॉर्मल से दोनों इक्वल एंगल बनाना चाहिए ना, चलो थोड़ा सा मुझे उल्टा चलना पड़ेगा तब बनेगा, ये मेरा नॉर्मल है और ये मेरा रीट्रेस करने वाला है ना, तो ये अगर रिफ्लेक्टेड है तो इंसिडेंट उतनी से आनी चाहिए ना, उतने एंगल बना के, तो ये समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ी चोरी कर रहा हूं, डायग्राम सही बनाने के लिए थोड़ी चोरी करनी पड़ती है है, और इसके पैरेलल आना है, बाकी तो तुम समझ रहे हो ना, इसके पैरेलल आना है, समझ में ऐसा, तो अब नॉर्मली आई और नॉर्मली गई, ये एंगल कितना है बच्चों थीटा, ये भी कितना है थीटा, ये भी कितना है थीटा, कोई दिक्कत? अच्छा अब ये थीटा है और ये पूरा कितना है, तो ये पूरा कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है ये बताओ, ये कितना है, आधा है ना उसका, अरे नॉर्मल है ना बच्चों, कौन है ये नॉर्मल है, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं ना, और ये पूरा कितना है, आधा कितना है, 90 माइनस थीटा बाई टू, और ये भी कितना है, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी समझ रहे, और ये पूरा कितना है, 90 नॉर्मल है ना, ये इसका नॉर्मल है ना, तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा बाई टू, तो ये कितना, 90 माइनस थीटा बाई टू, दैट इज 90 प्लस थीटा बाई टू, हुआ कि नहीं बच्चों? Yes. अब ये 90 प्लस थीटा बाई टू है और ये कितना है, 90. और ये कितना है, तीनों का सम कितना होता है, 180. तो बताओ कौन कौन सा, 90 प्लस थीटा बाई टू प्लस थीटा प्लस मस्ट बी इक्वल टू, एलसीएम लो, 90 प्लस 2 थीटा बाय नहीं 3 थीटा, 3 थीटा ना, एलसीएम लो के बाय 2 मस्ट बी इक्वल टू 90 उधर माइनस के 90, 3 थीटा इक्वल टू कितना 90, अरे 180 माइनस 90 तो थीटा कितना हो गया बच्चों, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 30 अगर हो और पैरेलल आए एक के रे इंसिडेंट रे, तो थर्ड रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी वो, रीट्रेस करेगी। टफ क्वेश्चन हो गया क्या, टफ तो है ही, लेकिन जो हमें पता है एक और थोड़ी ज्योमेट्री दो, पता क्या है रीट्रेस करने के लिए थर्ड रिफ्लेक्शन में, ये थर्ड ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, ये सेकंड रिफ्लेक्शन है,
और ये थर्ड रिफ्लेक्शन है। तो थर्ड रिफ्लेक्शन में क्या होना चाहिए? नॉर्मल आना चाहिए, परपेंडिकुलर आना चाहिए। थर्ड रिफ्लेक्शन में क्या आना चाहिए ये हमें पता है। और क्या पता है? पहला दो इंफॉर्मेशन हमें पता है, उसके बाद अब बाकी दिमाग लगाना। तो यहां से ये निकल जाएगा, वहां से ये निकल गया, हमें ये चाहिए, ये पता चल जाए तो काम बन जाए। 390 है, ये थीटा है, ये पता चल जाए तो काम बन जाए। अब ये कैसे पता चलेगा? ये कितना है? नॉर्मल। ये थीटा है तो ये पूरा पता चल जाएगा, उसका आधा पता चल जाएगा, उसमें माइनस का दो दिया जाएगा। तो क्वेश्चन तो थोड़ा अच्छा है, ठीक है ना बच्चों, हो जाएगा। किस एंगल पे मिरर को रखें? समझ गए ये सब लोग? क्वेश्चन समझ में आ गया? अगला, किस एंगल पे मिरर को रखें? किस एंगल पे मिरर को रखें? आप मिरर को, दो मिरर को आपस में रखें कि कोई भी रे चाहे जिस एंगल पे आए एंटी पैरेलल होके जाए। क्वेश्चन समझ में? बोलो। एंगल बिटवीन टू मिरर, फाइंड एंगल बिटवीन टू मिरर थीटा फॉर विच क्या? रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। ये सब टू रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। विल बी एंटी पैरेलल टू इंसिडेंट रे। लगा दिमाग, लगा सोचो थोड़ा, कॉपी पेन क्या करे कि एंटी पैरेलल हो जाए? एंटी पैरेलल होने का मतलब समझाओगे कोई? एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या? एंटी पैरेलल होने का मीनिंग बताओ। तो वही एंटी पैरेलल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या क्या 180 डेविएशन 180 बस, क्योंकि हम डेविएशन पढ़े ना। बोलो बच्चों, तो एक लाइन का क्वेश्चन, डेविएशन क्या होना चाहिए? डेविएशन मस्ट बी इक्वल टू 180। और डिविजन होता कितना? 180 या 2 थीटा। अरे बोलो, तो 2 थीटा मस्ट बी इक्वल टू 990। काम खत्म। यानी दो मिरर एक दूसरे से 190 पे होंगे, तो चाहे जैसे आए थीटा पे डिपेंड करेगा ही। अरे मेरी बात समझ में आई क्या बोल रहा हूँ? कोई भी रे, ये देखो ये आएगी तो हमेशा रिफ्लेक्ट होके एंटी पैरेलल चली जाएगी, हमेशा। क्या समझे? क्योंकि ये क्या है 90, तो हमेशा एंटी पैरेलल चली जाएगी। कोई दिक्कत? समझ में आया? डेरिवेशन से हम लोग पहले जानते हैं उससे, ठीक है? प्रूव कर सकते हो? थोड़ा सोचो, एंटी पैरेलल का मतलब क्या? यही प्रूव करना है कि डिवीजन 180 हो। तो अगर यहाँ पे 90 है तो डिवीजन 180 है, प्रूव करना है। तो 90 तो डिवीजन, हम अगर प्रूव भी करेंगे तो भी आएगा 2 थीटा ना। तो 90 है तो 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 180 हो गया, वही बात। अरे समझ में आया क्या? एक और क्वेश्चन करो, डिवीजन का एग्जांपल। दो मिरर के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 60। और एक मिरर के पैरेलल आ रहा है कौन? इंसिडेंट रे। एक मिरर के पैरेलल इंसिडेंट रे आ रही है, पैरेलल दिख रही ना, हाँ 60 पे ही आ रही है। डेविएशन बताओ। डिवीजन 180 माइनस 120, तो 120 क्यों नहीं? दोनों हो जाएगा, 120 भी होगा और 60 का डबल, तो दोनों होगा ना। अरे भाई 2 थीटा डिवीजन होता है, इतनी देर से क्यों परेशान हो? डिवीजन कितना होता है? 2 थीटा
या 360 माइनस 2 दोनों है कि नहीं? तो क्या मुझे ये रेड एरर बनाना है क्या? तो फिर तो डेविएशन हमें चाहिए ना, कितना होगा डेविएशन? 2 थीटा और 360 माइनस 2 थीटा। अरे बोलो तो कितना हो जाएगा? थीटा कितना है? 60। ये 60 है ना थीटा, दो के बीच का एंगल। तो डेविएशन कितना हो जाएगा? 120। आ रहे समझ में? या क्या डिराइव किया था? और 360 माइनस 120 कितना हो जाएगा? 240। दोनों चलेगा, दोनों आंसर है। ठीक है, दोनों में से कोई भी ले लो। ये एंगल 60 है तो ये एंगल बताओ। वो एंगल 60 है, 60 होगा। कैसे? कुछ तो तरीका होगा ना, हम लोग जो पढ़ते हैं उसी में से कुछ होगा ना। तो फॉर्मूला मत ढूंढो, थोड़ा पहले सोचो फिर फॉर्मूला लगाओ। ऐसे नहीं, ये एंगल पता है ना, ये थोड़ी पता है, ये पता चल जाएगा, ये थोड़ी पता है। रे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होके चली गई, समझो। रास्ता ढूंढो, पहले रास्ता ढूंढो। 120 दिख रहा है तुम्हें? लास्ट में वो पैरेलल है? नहीं नहीं, कुछ मतलब नहीं, बस एंगल दिया है। ये पता हो जाएगा अगर, ये कब पता रहेगा? जब तुम्हें, हाँ बोलो, ये कब पता है? बोलो, ये पता हो जाएगा अगर, ये तुम अपने आप नहीं बोलोगे क्या? तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करोगे? तो जो दिया उसे डेविएशन निकालो बच्चों, समझो समझो। अरे मेरी बात समझ में आई? ये कब पता चलेगा? जब डेविएशन पता होगा। और कुछ दिया तो है ना, तो डेविएशन निकालो। तो डेविएशन मतलब कैसे निकालना है? डेविएशन मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, जबकि मैंने एंगल कुछ और दिया है। देखो बताओ कितना है। हाँ बोलो बोलो, इंसिडेंट रे दिख रही तुमको, रिफ्लेक्टेड दिख रही है, दोनों के बीच का एंगल बताओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये वाला एंगल, ये पूरा 180 है, तो 16 माइनस कर दो कितना आएगा? कर क्या रहे हो, डरते क्यों रहते हो तुम लोग भाई? तुम्हें नहीं आ रहे क्या वो? तो डिविजन कौन होता है? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल ना। ये चाहिए, बाहर वाले भी ले सकते हो, लेकिन ये लोगे तो 120 माइनस कर 240 आएगा, और 240 का आधा कितना होगा? 120 तो दिख नहीं रहा है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब इससे नहीं निकलेगा, किसे निकलेगा? तो कितना होगा ये? तो कुछ समझ में आया? आधा ना, डेविएशन कितना आया? 120। तो डेविएशन 2 थीटा होता है ना? तो थीटा कितना हो गया? 60। तो लगाओ दिमाग, लगाओ, आया समझ में? ठीक है, तो अभी क्या हुआ? सोचो वापस, दोबारा अपने दिमाग को रिवाइंड करो और सोचो कि तुम फंस क्यों गए। क्योंकि तुम्हारे पास स्टोरी नहीं थी कि चाहता क्या है भाई, चाहता क्या है? दोनों मिरर के बीच का एंगल। हमने दो मिरर के बीच का एंगल पढ़ने के में कोई रिलेशन आज तक पढ़ा ही कहां है, एक्सेप्ट डेविएशन। इसका मतलब दो मिरर के बीच का एंगल पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है? डेविएशन पूछा है, डेविएशन से निकलेगा। ये लाइन कौन बताएगा? अपना ही दिमाग बताएगा ना हमको, तो हमें, हम कैसे तैयार रहेंगे? तो अपना ही दिमाग बताएगा भाई, दो मिरर के बीच का एंगल निकालने के लिए हमने पढ़ा ही क्या है? डेविएशन पढ़ा है, उसके अलावा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। इसका मतलब एक बार डेविएशन मिल गया तो काम बन जाएगा। सुना, समझ में आया तुमको? नींद आ रही तुमको? जोर से, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कैसे कैसे, ये सब के बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि कौन से है, वो पैलोग्राम थोड़ी है। सर इसमें भी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, लेकिन एरो तो दिया है ना? नहीं,
लेकिन डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब जो है उससे घूम जाए, सही ना? जो है उसे घूम जाए, बोले तो करेंगे, करोगे ना, वही निकालना है। समझ गए? तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। आगे बढ़े, काम खत्म करें, अब इसका टॉपिक खत्म करें, ठीक है? क्वेश्चंस बस आज ही कर लेना, मेरे पढ़ाने की बस एक कंडीशन, आज ही क्वेश्चन कर लोगे तो हो जाएगा। कल करोगे तो मैं जानता हूँ, तुम मतलब कल करोगे तो तुम्हें ये याद रहेगा कि दो मैटर के बीच का एंगल अगर थीटा निकालें तो डिवीजन से निकलेगा? नहीं रहेगा, दिमाग खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अपने आप सेल्फ स्टडी करोगे। अब मुझे पता है कि विजय कितना अच्छा सेल्फ स्टडी करते हो तुम, समझ गए? ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना? सेल्फ स्टडी की नौबत ना आए ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी की नौबत आएगी तो फिर नहीं हो पाएगा बच्चों, नहीं हो पाएगा। मैं हर बार देख चुका हूँ, ये सब वही है ना, ये डेरिवेशन है उसका, है ना? ये डेरिवेशन है, रिट्रेस का कल बता चुका था, मीनिंग ये सब कुछ क्वेश्चन हैं वो 30 वाला, रिट्रेस वाला। हाँ, एक छोटा सा ये बता दूँ, बाकी हो गया है। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन सीधा आएगा, मतलब कर्व सरफेस का, जो यहाँ खत्म हो गया, अभी रिफ्लेक्शन पेज मिनट खत्म हो गया, ये एक छोटा सा चीज़ बचा है, इसको खत्म कर देते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये मिरर है वन और ये मिरर है टू, दो पैरेलल मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? एक्स वन। तो तुम्हें पता है कि मिरर से जितना आगे उतना ही पीछे इमेज बनता है ना, तो पहला इमेज कितना दूर है? अरे ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी कितना बनेगा? और पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, तो अब यहां से ऑब्जेक्ट की दूरी बताओ, टू एक्स वन प्लस एक्स टू, तो पीछे कहां बनेगा? ये कट गया। हाँ देखो, ये वही बनेगा, जितना आगे उतना ही पीछे, तो कितना बनेगा? एक्स टू प्लस टू एक्स वन बनेगा कि नहीं? बनेगा ना। इसके बाद यहाँ ये देखो, इसकी ये इमेज है ना, तो इसकी ये जो इमेज है वो इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो दूरी बताओ, ये दूरी कितनी है? एक्स टू प्लस टू एक्स वन, और ये दूरी कितनी है? एक्स वन प्लस एक्स टू, तो टोटल दूरी बताओ, टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स वन बनेगा कि नहीं? तो अगला क्या बनेगा? टू एक्स टू, ये वाला टू एक्स टू प्लस थ्री एक्स वन अगला हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, मेरी बात समझ में? बोलो बच्चों, ऐसे ही यहां से पहला बना था, अब यहां से पहला बना, पहला कितना बनेगा? x2, कहां बनेगा? x2 पीछे, अब x2 बना यहां से, इससे x2 डिस्टेंस, तो यहां से कितना? x2 plus x2, 2x2 plus x1, तो 2x2 plus x1 दिख रहा है। फिर वो इसके लिए इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो x2 plus x1 यहां से है ना, 2x2 plus x1, और उसमें कौन जोड़ोगे? तो यहां से दूरी उतना ही पीछे, समझा पाए होंगे? एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ये देखो, ये x1 है तो पहला क्या बनेगा? x1, फिर उसमें 2x2 जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा? 2x2, फिर 2x1 जुड़ जाएगा, फिर 2x2 जुड़ जाएगा, फिर 2x1, समझ गए? जैसे अल्फा बीटा का था ना एंगल का, यहां पे पहला कितना है? x2, तो कितना जुड़ जाएगा? पहला तो x2 है, फिर कितना जुड़ जाएगा? 2x1। बोलो बच्चों कितना जुड़ेगा? ये देखो, पहला है x2, फिर इसमें कितना जुड़ेगा? फिर कितना जुड़ेगा? 2x2, फिर अल्टरनेट जुड़ता चला जाएगा, याद रहेगा? तो बताओ, ये 5 है और ये 20 है, तो पहला कहां बनेगा? 5, फिर कितना जुड़ेगा? नहीं, इसका डबल, तो कितना हो जाएगा? 45। अरे 20 का डबल जुड़ेगा तो कितना? 40 जुड़ेगा ना, 5 में 40 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 45। फिर 5 का डबल जुड़ेगा, बताओ, 55। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पहला कितना है? 5, तो इसका डबल जुड़ेगा, 40 जुड़ेगा ना, फिर 5 का डबल 10 जुड़ेगा, फिर 40, फिर 10, फिर तो 40 जुड़ेगा तो कितना आ गया? 95। फिर 10 जुड़ेगा तो, सुना क्या सबने? यहाँ पे पहला कहाँ पे होगा? 20। फिर 10 जुड़ेगा? 30। फिर 20 का डबल 40, 70 हो जाएगा।
फिर 10 जुड़ेगा 80, फिर 120 एंड सो ऑन। सुना क्या सपने बना लोगे? वन बुक में क्वेश्चन मिलेगा। ये 10 है, ये 15 है, बोलो 10 40, 15 का डबल ना, फिर 60, 10 का डबल 60, फिर 30, 90, फिर 100, फिर 130 एंड सो है ना, 110 नहीं, हाँ ये 110 होगा है ना, 140 पक्का। यहाँ पे पहला 50, फिर 20 जुड़ेगा तो 35, 15 का डबल 65, 85 एंड सो कर लोगे। 12 पर 2 बीटा जुड़ता है, मतलब ये तो सेम है, फिर 2 इंटू 15 जुड़ेगा, फिर 2 इंटू 10 जुड़ेगा, 2 इंटू 15 जुड़ेगा, 2 इंटू 10 जुड़ेगा, ऐसा चलता जाएगा। यही सेम एंगल में भी है ना, ये मेरा खत्म हो गया, सही है? तो ये मेरे के क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। बोलिए, नेचर ऑफ इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई, नहीं सब मिक्स करके दीजिए। अच्छा, मुझे तो केवल चाहिए था, कौन सा मेरे ख्याल से अलग अलग नहीं दिया है क्या इसमें, मुझे पे मिरर चाहिए ना केवल, पे मिरर। स्लैब था लेकिन वो पेन मिरर नहीं है ना, प्रॉब्लम ही है। चलो छोड़ो, सॉरी,
फालतू बेकार हो गया मेरा। चाहिए क्या? मुझे ही चाहिए। क्या तो वापस यहां से आएगा? तो चलिए फिर नया शुरू करते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे एक बार और, है ना? तो अभी मुझे जो शुरू करना है वो ये कि कर्व्ड मिरर, यही ना बच्चों? ये प्रिमियर हो गया, कर्व्ड मिरर देखो, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, नहीं क्या? ठीक है।